हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रदेव दिस इज उपासना सिंह और हम अपने जावा के ट्यूटोरियल की, की प्लेलिस्ट का ऑपरेटर चैप्टर कवर कर रहे थे जिसमें हमारा अर्थोमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर हो चुका था और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में ये हमारे रिलेशन ऑपरेटर का हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए करते हैं कि डबल इक्वल टू ये दोनों के बीच में कंपेयर करता है कि क्या वो दो वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल टू कंपेयर करता है क्या वो इक्वल नहीं है ग्रेटर देन लेस देन कंपेयर करता है क्या वो एक दूसरे से छोटे हैं बड़े हैं एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कि वो छोटा है छोटे के साथ साथ बराबर भी है या नहीं और ये बड़ा है या नहीं बड़े के साथ साथ बराबर भी है या नहीं तो इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन uh, चेक कर पाते हैं उनकी वैल्यूज़ के बीच में ओके गाइस तो अब हम रिलेशन ऑपरेटर को प्रैक्टिकली समझेंगे जिसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं सो so, हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो इतने टाइप्स के होते हैं सो so, एक एक करके हम सभी का यूज़ समझते हैं सो एज़ यू कैन सी मैंने छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे मैंने एक इंटीजियर uh, के लिए दो वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं एक में मैंने टेन वेल टेन की वैल्यू असाइन करी है और दूसरे में मैंने ट्वेंटी की वैल्यू असाइन करी है फिर मैंने यहाँ पे चेक किया है कि क्या ए बी के इक्वल है या नहीं अपने इस डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके और अगर ए बी के इक्वल है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि ए बी के इक्वल है नहीं तो एल्स में हम जाते हैं तब जब वो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है मतलब हमारे इफ़ के अंदर जो हमने पैरामीटर में ब्लॉक दिया है वो जब फॉल्स रिटर्न करता है हमारा जो कंट्रोल है वो एस पे आ जाता है तो एस पे जो हम हमने जो भी कोड लिखा होगा वो रन होता है ये कंट्रोल फ्लो का पार्ट है मैं अभी आपको इसके बेसिक्स बता दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें रिलेशन ऑपरेटर पढ़ने के लिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल करना था तो इसलिए यहाँ पे अब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी प्रिंट होगा तो जैसा कि मैं पहले से दिख ही रहा है यहाँ पे कि ए की वैल्यू टेन है बी की वैल्यू ट्वेंटी है तो जब हम यहाँ पर इसको रन करेंगे सो ऑब्वियसली यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी प्रिंट हो गया है बट अगर अब हम यहाँ पे ए और बी की कुछ वैल्यूज चेंज कर दें जैसे कि सो so, मैंने दोनों की वैल्यू सेम करके भी आपको दिखाया है कि उसके बिहाव पे हमारा ये इफ के अंदर ही कंडीशन का कंट्रोल uh, हमारा आया है और ए इज इक्वल टू बी प्रिंट हो गया है नाउ हम ए और बी की वैल्यूज को और चेंज करके देखते हैं बाकी ऑपरेटर्स का यूज तो so, जैसा कि आप देख सकते हैं ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इफ में हमने जो कंडीशन लिखी है क्या ए बी के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो गया इसलिए हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ही नीचे यहाँ पे हमारे प्रिंट हुआ है एंड अगर ये ट्रू नहीं होके के फॉल्स होता तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता जैसे अगर मैं अभी इन दोनों की वैल्यू को सेम कर दूँ तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो लेस चेक हमारे और भी जो ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं सो so, हमने ए की वैल्यू ट्वेंटी फ़ाइव रखी थी बी की वैल्यू ट्वेंटी रखी थी तो जो हमने जब यहाँ पे इफ़ में ए ग्रेटर देन बी चेक किया तो यहाँ पे इसने इसीलिए ए इज़ ग्रेटर देन बी करके प्रिंट कर दिया है क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है ए की वैल्यू ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी से बड़ा होता है इसलिए हमने इफ़ का स्टेटमेंट प्रिंट हो गया एंड देन लेस देन आप ख़ुद इम्प्लीमेंट करके देखेगा सब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली है और अब देखेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे वर्क करता है सो एज यू कैन सी गाइस कि यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू को नाइन्टीन रखा ट्वेंटी बड़ा है ट्वेंटी की वैल्यू बड़ी रखी और मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू को यहाँ पे चेक किया कि क्या ए बड़ा या फिर बराबर है तो ना ही यहाँ पे ए नाइनटीन जो कि ट्वेंटी से ना ही बड़ा है ना ही बराबर है इसलिए हमारा एल्फ वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है बट अगर हम यहाँ पे ट्वेंटी वन या ट्वेंटी कर दे लाइक like ट्वेंटी भी कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया मैंने दोनों को बराबर रखा है तो ये अब बराबर भी चेक करता है और ग्रेटर देन भी चेक करता है उसी तरह आप इसका लेस देन और इक्वल टू वाला साइन भी चेक कर सकते हैं सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट हो और किसी भी माइनर या मेजर डाउट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर लिंक क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड uh, ज्वाइन बटन को भी क्लिक करके ज्वाइन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो